Hi everyone, this is आज हम पढ़ेंगे सैंडलवुड बुद्धा स्टैचू के बारे में जो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जापानीज़ काउंटर पार्ट को दिया पी जो हैं जापान की उनको दिया अब ये एक कल्चरल टाई भी है कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इस तरह के गिफ्ट्स का सो so इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे बिकॉज आई फील टूगैदर वीन मेक अंस तो यस इट सैंडलवुड बुद्धा स्टैचू जो है वो गिफ्ट दिया गया है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और सैंडलवुड आपके इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट होता है कॉन्टेक्स्ट यही है बात का कि स्टैचू जो कि एक कदम वुड जाली बॉक्स में था उसको गिफ्ट किया गया है और ये जो आर्ट वर्क है इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे जानना कि ये जो आर्ट वर्क है ये किस स्टेट का है सो इट इज अ रिच हेरिटेज ऑफ कर्नाटका तो कर्नाटका का कल्चरल हेरिटेज है यू कैन सी द स्टैचू सैंडलवुड बुद्धा स्टैचू कदम वुड जाली बॉक्स में ये स्टैचू जो है दिया गया कि यहाँ पे मेडिटेशन में बुद्धा एनलाइटमेंट इनलाइटमेंट से पहले जब कहा जाता है कि वो बैठे थे और ऊपर पेड़ है बहुत ही अच्छे से कार्विंग इस पे हुई है बुद्धा का फिगर है प्योर सैंडलवुड से बना है हाथ से काम किया गया है ये जितना भी आप इस में ट्रेडिशनल हाँ किए गए हैं और बुद्धा, बुद्धा को दिखाया है कि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं बोधी ट्री के नीचे एग्जैक्टली ये वो मोमेंट है जब मेडिटेशन कर रहे थे इस मुद्रा में एंड मेडिटेशन क्यों कर रहे थे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये जो ध्यान मुद्रा है ये बुद्धा इस मुद्रा में तब गए थे बिफोर एनलाइटनमेंट और ये इमेज जो है ये उसी चीज को दर्शाती है जो स्टैच्यू अब जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मुद्राज हैं यू हैव भूमि स्पर्श मुद्रा कि आप अर्थ को टच कर रहे हो यू हैव व्रदा मुद्रा अलग अलग तरह की मुद्रा है धर्मचक्र मुद्रा नमस्कार मुद्रा करण मुद्रा जनाना मुद्रा ओके सो ये कदम जाली बॉक्स आप देखेंगे जिसमें ये स्टैचू रखा गया था सो दिस इज द कदम विदालीबॉक्स सो सैंडलवुड का बना हुआ स्टैच्यू कदम वुड जॉली बॉक्स में रखा गया इसको बहुत ही ज्यादा अस्पीशियस माना जाता है इंडियन कल्चर में अब ये जो जाली बॉक्स है इसपे एनिमल्स और बर्ड्स के इम्प्रिंट्स थे सो आर्ट के हिसाब से एग्जाम के लिए भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है अब कर्नाटका का रिच हेरिटेज है तो उसकी हम बात करें तो कानहदा गुड्डी कर्नाटका को समटाइम इस नाम से जाना जाता है लैंड ऑफ सैंडलवुड क्योंकि सैंडलवुड यहाँ पे काफ़ी पाई जाती है और सैंडलवुड का आर्ट यहाँ पे बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत ही एंशियंट क्राफ्ट है जिसको कर्नाटका में कई सेंचुरी से प्रैक्टिस किया जा रहा है बहुत सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइंस ब्लॉक डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आइटम्स बनाई जाती है यू कैन हैव अ लुक कि ये सब सैंडलवुड से बनाया गया है द ब्यूटिफुल आइटम्स तो ये जो आर्ट है सैंडलवुड का ये कर्नाटका के कल्चरल हेरिटेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है और वैसे भी डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो जैसे नॉर्मल आपकी डिप्लोमेसी होती है या सॉफ्ट डिप्लोमेसी तो ये गिफ्ट देना अपने कल्चरल हेरिटेज की चीजें देना इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस है आप इसको कल्चरल डिप्लोमेसी भी बोल सकते हो तो कर्नाटका की सैंडलवुड कार्विंग्स की बात करें क्योंकि इनका ओरिजिन थर्ड सेंचुरी बीसी से आप ट्रेस कर सकते हो जब सैंडलवुड को वुडन आइडल्स और कार्विंग्स जो है टेंपल के लिए उनको बनाने के लिए रिलीजियस साइट्स पे यूज़ किया जाता था अब स्टेट जो है कर्नाटका की बिकॉज इट इज़ रिच हेरिटेज सैंडलवुड डेवलपमेंट बोर्ड भी उन्होंने बिठाया है इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करने का सस्टेनेबली मैनेज करने का क्योंकि ये आर्ट ऐसा है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता है और कर्नाटका में आज भी ये चल रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट अभी तक हम आर्ट एंड कल्चर और कल्चरल डिप्लोमेसी के हिसाब से बात कर रहे थे। Now, coming to your sandalwood. ये का है इसमें। album, commonly known as Indian sandalwood, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट स्पीशीज है so, this is important कि sandalwood क्या है। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया फिलिपींस में पाया जाता है और इंडियन हेरिटेज कल्चर से इसको बहुत जोड़ के देखा जाता है वर्ल्ड के टोटल सैंडलवुड प्रोडक्शन में एटी फाइव परसेंट हमारी कंट्री से जाता है ट्रेड होता है हाउएवर लेटली ये काफी डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि ओवर यूज हो रहा है हर चीज़ का डिफोरेस्ट्रेशन हो रही है तो फास्ट रेट से डिक्लाइन हो रहा है सो so, सैंडलवुड अगर आप देखोगे हिंदुज्म में पूजा में भी यूज किया जाता है तो बहुत ज्यादा सैक्रेट हर्ब आयुर्वेदा का इसको माना जाता है इंडिया में सैंडलवुड कहाँ कहाँ यूज होता है ज्योग्राफी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार गुजरात कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु तो फीचर यही है है स्मॉल छोटा सा ट्रॉपिकल ट्री है, जो कि 20 मीटर हाइट तक ग्रो करता है विद रेड वुड एंड अ वैरायटी ऑफ डार्क कलर्स ऑफ द बार्क डार्क ब्राउन रेडिश डार्क ग्रे कलर का इसका वुड होता है आई आयु सीन लिस्ट में इट इज वॉलरेबल अगेन द आई इनवासिव आयुसीन रेड लिस्ट में वॉलरेबल कैटेगरी में है सो थर्टिन कैटेगरी में ऑलरेडी है

इश्यूज के बैक्टीरियल पैरासाइट्स हैं और इंसेक्ट वेक्टर्स जो हैं वो इनको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है हमको पेड़ को काटना ही पड़ता है और इन्फेक्टेड ट्री को रिमूव करना पड़ता है ताकि स्प्रेड ये डिजीज और ज्यादा ना फैले अब कंसर्न क्या है इन सब बातों से अबाउट वन टू फाइव परसेंट सैंडलवुड ट्रीज जो है हर साल हम खो देते हैं इस बीमारी की वजह से साइंटिस्ट ने काफी वॉन भी किया है कि इससे स्पीशीज वाइप आउट हो सकता है इसका नेचुरल पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो सकता है प्लस सैंडलवुड ट्रीज ऑल्सो तो जहाँ पे नेचुरल अभी ये बीमारी फैलती है जहाँ पे प्लांट्स ये वाले सैंडलवुड ट्रीज नेचुरली हैं लेकिन जहाँ पे कल्टिवेशन होता है साइंटिस्ट को ये भी डर है कि वहां पर भी अगर ये फैल गया तो बहुत भारी भरकम नुकसान होगा

इस तरह के गिफ्ट्स देते रहते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए जैसे कि पीएम एल्बनीज डिपिक्ट्स पॉपुलर मोटिफ ऑफ गोंड आर्ट ट्री ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था पीएम एल्बनीज को <coughs> ये गोंड आर्ट है ट्री ऑफ लाइफ जो कि इंट्रिकेट पैटर्न्स दिखाता है गोंड आर्ट का, का काफी ट्रेडमार्क है फिर पैनल पैनल ये पैनल है पीएम मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन को गिफ्ट किया था वुडन कार्व्ड बॉक्स विद रोगन पेंटिंग जापानीज़ पीएम फूमियो की शिदा को पहले भी ये गिफ्ट दिया जा चुका है रोगन पेंटिंग क्वीन ऑफ डेनमार्क को गिफ्ट किया था जो वह वो थ्री डे विजिट के लिए आई थी सो so, ये चीज आप देख सकते हैं कि अलग अलग इस तरह का आर्ट जो है गिफ्ट किया जाता है तो ये सब आर्ट के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं बहुत बढ़िया ऑफर आपके लिए आया और जो कि सिर्फ थर्टी फर्स्ट मार्च तक है द कोड इज वीरो यूपीएससी लेकिन इसमें खास बात क्या है एक तो आपको फ्लैट किसी भी सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट पच्चीस आपको डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन बढ़िया बात यह है कि अगर जो बच्चे आज से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक सब्सक्रिप्शन लेंगे 2024 में अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो उनको मेंस के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका रहना आपका खाना अन अकेडमी में होगा और अन अकेडमी आपको तैयारी करवाएगा मेंस की आप हमारे साथ आकर ऑफलाइन टीचर्स से पढ़ सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में आपका पूरे खर्चे का ध्यान रखा जाएगा ठीक है

Uh, they can also start with us and uh, hope you will be taking the mock test today. 0% EMI of courses le sakte. Thank you so much.